ऐसे समय आप आए हैं मोदी जी जो है अयोध्या में कर रहे हैं, इधर आपकी रैली लग रही है, किस तरह से आप जीत सुनिश्चित कराएंगे? देखिए मोदी जी ने जो 400 पार करोड़ हो सकता उससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे राम मंदिर का जो मामला था उस मामले पे भी पूरे हिंदुस्तान के लोग कहते थे कि केवल सलूखा है, लेकिन ये मोदी जी ने करके दिखाया, योगी जी ने करके दिखाया। तो इन्होंने जो वादा किया लगभग उसी वादा को पूरा किया, और आने वाले समय में मैं ये जानता हूँ कि आने वाले समय में हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 3 बार बनी जिसे मुझे दुनिया के सारे मुल्कों में सबसे ताकतवर मुल्क और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के नेता। इतनी देर क्यों हुई? एक तरफ MP ने कहा कि नहीं हमको पता नहीं है, और आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी, क्या कोई डील थी पीछे से? देखिए राजकिशोर सिंह आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कभी डील नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन हमारे नेता से मुलाकात हुई और जिस दिन देखे होंगे मैं लखनऊ में था, RSS अमित शाह जी से मैं मिला और 2 मिनट के अंदर उन्होंने कहा राजकिशोर से आप पार्टी ज्वाइन करो, मेरे साथी बनके रहो। और जिस तरीके से इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता ये कहते हैं कि तुम हमारे साथी बनके रहो, तो आप स्वाभाविक है कोई भी नेता होगा तो 2 मिनट के अंदर एक्सेप्ट करेगा, और मैंने तुरंत उनका सम्मान किया और उन्होंने अपने कार्यकर्ता के रूप में अपने साथी के रूप में फाइल कराने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी मैं लाइक भी कर रहा था कई बहुत दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी से एक भी है आदरणीय योगी जी हैं जो छोटे भाई की तरह सम्मान देते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का काम और ये जो सम्मान मिला उस सम्मान के नाते मैंने तुरंत भारतीय जनता। अब क्या एजेंडा होगा? हमारा एजेंडा यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का के नेता का या भारतीय जनता पार्टी की चाहे जो भी संगठन हो उस संगठन का जो निर्णय होगा, जो सोच होगी वही हमारी सोच होगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया की तरह से बनकर उठेगी और हिंदुस्तान का अभी नौजवान किसान जो भी आज खुशहाल तो है लेकिन इससे बड़े पैमाने पर सबका साथ सबका विकास, राहुल सबका साथ सबका विकास नहीं है। दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए यूपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस, क्योंकि एक हवा होता है और दूसरी एक पार्टी हवा की कर लेकर केवल आ रही है और दूसरी पार्टी जमीन पे काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है और ये लोग केवल मीटिंग कर रहे हैं आपस में। तो जब तक ये लोग मीटिंग आपस में करेंगे सब करेंगे तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा। अगर बात बस्ती की करें तो अभी तक विपक्ष दावा कर रहा था इस बार हराएंगे हरी जी को, आपके आने से कितना अंतर पड़ेगा? अब हमें नहीं इसलिए हमें कुछ नहीं कहना, आप लोग स्वयं पता कर लिए करिए सर में, अब यही लगता है कि हो सकता है विपक्ष भी कैंडिडेटर न रह जाए, भाग जाए छोड़ छाड़ के, कोई लड़ने वाला न रहे। थैंक यू।